सांस फूलने की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ दोस्तों, जिनको आजमा कर आप अपनी सांस फूलने की जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हो। इसमें 4-5 टिप्स आपको दूंगी, छोटी छोटी टिप्स हैं जो शायद आप अपने घर में रोज़ाना इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सांस फूलने की जो शिकायत होती है, जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते ही थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आप थकने लग जाते हैं, दौड़ेंगे तो थकने लग जाते हैं या सांस फूलने लग जाता है। अगर आपको इस तरह की समस्या आती है ना, तो आप ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं इनको आजमा कर अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले तो सभी के घरों में अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाय में भी इस्तेमाल करते होंगे, सब्जी या दाल वगैरह में भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप जिनको सांस फूलने की समस्या है उनको इस तरीके से अदरक का इस्तेमाल कर लेना है। आपको क्या करना है, अदरक लेनी है, उसको धोकर अच्छे से साफ कर लेना है। अदरक जब आप लेंगे तो रूम टेम्परेचर की आपको लेनी है, जब आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो, अगर फ्रीज में रखी हुई है तो उसको कुछ समय पहले बाहर निकाल दें फिर इस्तेमाल करना। अदरक को धोकर उसका छिलका हटा दें और फिर इसके आपको 2-3 पतले पतले चिप्स के जैसे स्लाइस ले लेने हैं। एक एक स्लाइस लेकर आपको दिन में 2-3 बार दोस्तों इसका धीरे धीरे चबाना है। जैसे मैंने बताया, छोटा सा स्लाइस आप लेंगे तो उसको 15-20 मिनट तक आपको चबाना है, एकदम धीरे धीरे मुंह में रख के, उसका जो रस है आपके गले में लगे, आपको बिल्कुल उसका रस धीरे धीरे करके निगलते रहना है, फेंकना नहीं है। लेकिन दिन में आप छोटी छोटी अदरक का 3-4 बार इस्तेमाल कर लेंगे, इससे क्या होगा, श्वास नली में जितनी भी रुकावटें रहती हैं, सांस आपको अच्छे से नहीं आता है या सूजन है श्वास नली में, कफ जमा हुआ है, वो पूरा क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है जो अदरक होती है वो। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास दोस्तों वो है सौंफ। सौंफ जो होती है ना, इसमें भी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा ही जिनको सांस फूलता है ना, जो श्वास के रोगी होते हैं, अस्थमा के रोगी होते हैं, जिनको मोटापे के कारण सांस फूलता है या बाकी दूसरे कारणों से, तो उनको जो है ना इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो आप सौंफ को अदरक के जैसे खाने के बाद में चबाकर खा सकते हो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम के खाने के बाद में, या फिर आप रोजाना अगर अदरक और सौंफ चबाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो इनकी आप चाय बनाकर ले सकते हो। जो दूध वाली चाय लेते हैं आप, उसकी जगह पे आप सौंफ और अदरक डालकर उबालकर चाय बना लें, इसका इस्तेमाल कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। आप आजमा कर देखना अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो। दोनों ही चीज़ ऐसी हैं दोस्तों जो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी हैं और साथ के साथ आपके शरीर में बेहद फायदे करने वाली हैं। गर्मियों के मौसम में भी आप इनका इस्तेमाल आसानी से कर सकती हो, और सांस रोगी के लिए या सांस फूलता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वजन कम करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिनको वजन बढ़ने के कारण ऐसी समस्याएं आ रही हैं वो भी इसे आजमा सकते हो, और वैसे अगर किसी को समस्या है तो भी इसे आजमा सकते हो। अगली एक चीज़ आपको बता रही हूँ दोस्तों, जिनको भी सांस फूलने की शिकायत है तो कई बार शरीर में कमजोरी के कारण भी ऐसी समस्याएं आती हैं, तो आपको खासकर जैसे शरीर में खून की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, जब भी आप अपना खाना खाते हैं ना, तो अक्सर मैंने देखा है सभी जो है ना सैलेड लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है, आप सैलेड खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है पहले से ही, तो उसमें आपको जो है अपने सैलेड में बाकी चीज़ों के साथ में चुकंदर जो होता है ज़रूर शामिल कर लेना है। ये खून की कमी को जल्दी पूरा करता है, कमजोरी हटाता है, और जिनका सांस फूलता है ना उनके लिए चुकंदर बेहद फायदेमंद होता है, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर की कमजोरी भी हटाएगा और आपकी जो सांस फूलने की समस्या है ना उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो आप क्या करें, चुकंदर जब भी लेकर आए ना तो बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेकर आना, क्योंकि क्या होता है आप चुकंदर लेकर आते हैं बड़े साइज़ का, वो ज़्यादा ही कसेला होता है, इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता है, शायद आपको अच्छा लगता हो, लेकिन फिर भी ये फ़ायदे होते हैं ना इसके, तो सभी इसको खाना पसंद करते हैं फ़ायदों के कारण। तो आप बड़े साइज़ की बजाय छोटे छोटे चुकंदर कच्चे देख कर लाएँ, तो इनका खाने में जो स्वाद होता है ना वो भी अच्छा होता है। बड़ा अगर आप ले आते हैं तो उसके आप 4 हिस्से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं बाता है, थोड़ा सा लेंगे आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा, तो और भी ज़्यादा आपको जो है फ़ायदे मिलेंगे। बाकी सैलेड के साथ में मिक्स सैलेड बनाना, जैसे खीरा हो गया, टमाटो हो गया, आप प्याज ले सकते हो, चुकंदर ले सकते हो, बाकी जो चीज़ें आप लेना पसंद करते हो,
सभी के साथ में आपको छोटा सा चुकंदर भी शामिल करना है। दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, जिनका सांस फूलता है उनको पानी भी थोड़ा सा अच्छी मात्रा में पीना है। अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो पसीने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो आपको पानी भी पीना है और साथ के साथ आपको भोजन जो है ना थोड़ा सा हल्का भोजन करना है दोस्तों। जैसे आप 4 चपाती खाते हैं ना, तो उसकी जगह पर आप 2 ही चपाती खाएँ और सैलेड ज़्यादा खाएँ तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप खुद महसूस कर पाएंगे। दही लेना शुरू कर दें अपनी, जो खाना आप लेते हैं ना अपने डाइट में, दही को छाछ को ज़रूर शामिल करें। और इनके साथ साथ आपको थोड़ा सा जो है ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम होता है, या जो सांस रोकने वाली होती है ना एक्सरसाइज, वो आपको ज़रूर करनी है। आप जो है ना 5-10 मिनट से शुरू करके और उसका टाइमिंग बढ़ाए। जैसे आपने आज 2-3 बार किया, श्वास को आपने 10 सेकंड रोका, उसके बाद में छोड़ा, ऐसे ही 20 सेकंड रोके, 30 सेकंड रोके, इस तरह से समय बढ़ाते जाएं। इस तरह की एक्सरसाइज करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और सांस फूलना या श्वास अस्थमा जैसी शिकायत जिनको होती है ना दोस्तों, वो फेफड़ों के रोग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है। थोड़ा सा आप जो है मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर जाएं, सबसे बेस्ट होती है मॉर्निंग वॉक। खाना खाने के बाद में जैसे आप थोड़ा सा टहलें, लेकिन सुबह आप चाहे 15 से 20 मिनट ही निकालें मॉर्निंग वॉक के लिए, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो जाएं। और अगर टाइम नहीं लगता है तो जैसे मैंने बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम और अनुलोम विलोम, ये आप घर में बैठ के कर लें, जैसे 20 मिनट 30 मिनट, जैसे आपको टाइम लगे, तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फायदेमंद है ये, अगर आप आजमाना शुरू करते हैं ना तो सप्ताह भर में ही आपको बेस्ट रिजल्ट इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी की दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, आपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाई वगैरह ली है, तो इस नुस्खे के साथ साथ आप अपनी दवाइयों को भी कंटिन्यू रखें, बंद ना करें एकदम से। धीरे धीरे करके आपको जैसे फ़ायदा लगेगा तो अपने आप ही जो है दवाइयाँ छूट जाती हैं, लेकिन एक बार जब आप ये शुरू करते हैं तो आपको दवाइयाँ भी साथ में खा लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप नुस्खे आजमाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है इसमें कि आप जो है उसको लेंगे दवाइयाँ लेंगे तो नुकसान करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप साथ साथ अपना सकते हो, नुस्खे भी ऐसे ही हैं जो बिल्कुल अच्छी चीज़ों के साथ में बनाए गए हैं, नेचुरल नुस्खे हैं, तो इनको आप दवाइयों के साथ में ले सकते हो। जब भी आप देसी नुस्खे आजमाते हैं दोस्तों, तो 1 या 2 दिन में आपको उतना फ़ायदा नज़र नहीं आता है, सप्ताह भर में आपको इसका असर दिखने लग जाता है। लेकिन आप जब भी आजमाने लगे तो कंटिन्यू इसे 2-3 महीने आजमा कर देखें, जिससे आपको इसके पूरे पूरे और बढ़िया रिजल्ट मिले दोस्तों। अगर आपको नुस्खा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।